प्लेऑफ से बाहर होकर ईशान किशन हुए भावुक। मैन ऑफ द मैच बनने के बाद कही ऐसी बात सुनकर आप भी करोगे सलाम। जी हाँ नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट लाइफ के एक और नए वीडियो में। दोस्तों पिछले 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस आईपीएल 2021 के प्लेऑफ में चाहकर भी जगह नहीं बना पाई और आईपीएल से बाहर हो गई। वही अपने टीम को प्लेऑफ में नहीं पहुंचा पाने पर ईशान किशन बड़े भावुक हो गए और दिल छू लेने वाली बात कह दी। दोस्तों ईशान किशन ने क्या कहा है ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप कमेंट करके बताएं ईशान किशन और सूर्य कुमार यादव में कौन खतरनाक बल्लेबाज है। दोस्तों 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2021 के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है। मुंबई ने अपने अंतिम लीग मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 235 रन बनाए। यह उसका आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है, लेकिन टीम का रन रेट माइनस में था। ऐसे में उसे प्लेऑफ में पहुंचने के लिए हैदराबाद को 64 रन से कम पर रोकना था, लेकिन हैदराबाद ने 5.1 ओवर में बिना विकेट के 64 रन बना लिए थे। इस तरह से केकेआर की टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी। इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स, सीएसके और आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच चुके हैं। आईपीएल 2021 के नॉकआउट के मुकाबले 10 अक्टूबर से खेले जाएंगे। क्वालिफायर 1 में सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स की टीम 10 अक्टूबर को भिड़ेगी। वहीं 11 अक्टूबर को एलिमिनेटर में आरसीबी और केकेआर की टीम आमने सामने होगी। दोस्तों दिल्ली और आरसीबी ने अब तक आईपीएल का खिताब नहीं जीता है, ऐसे में दोनों टीमें पहली बार खिताब जीतने की कोशिश करेंगी। वही दोस्तों हैदराबाद के खिलाफ मुंबई की टीम ने काफी कोशिश की, बड़े अंतर से मैच को जीतकर प्लेऑफ में जगह बनाए। ईशान किशन ने ओपनिंग करते हुए 32 गेंदों में 84 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। वही सूर्य कुमार यादव ने भी 82 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसकी वजह से मुंबई 235 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब हो गई, लेकिन हैदराबाद को 64 रनों से पहले नहीं रोक पाई, इसलिए प्लेऑफ से बाहर हो गई। वही ईशान किशन की तूफानी पारी मुंबई को प्लेऑफ में नहीं पहुंचा पाई, तो मैच के बाद ईशान किशन काफी भावुक हो गए। ईशान ने कहा, मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी कि हमारी टीम प्लेऑफ में पहुंच जाए। हमने काफी अटैकिंग बल्लेबाजी की, लेकिन हम गेंदबाजी में चूक गए। मुझे दुखी है कि हम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाए, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा कॉन्फिडेंस वापस आ गया है और अब मुझे उम्मीद है भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप में ऐसा ही पारी खेलूंगा और टीम इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जिताने में बड़ी भूमिका निभाऊंगा।